हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल और विवादों का चौली दामन का रिश्ता रहा है शुरू से ही। इस वैकेंसी को आप जब से देखोगे तब से इसमें कुछ ना कुछ लूप हॉल निकल रहा है। कई बार तो वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए बोला गया, डेट एक्सटेंड किए गए, लगभग 5-6 महीने तक डेट एक्सटेंड किया गया था पिछले साल, और उसके बाद जो है फिर भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया और लोगों के पैसे वापस किए गए थे। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, किन किन लोगों के पैसे वापस अभी तक नहीं आए हैं? जिनके पैसे वापस नहीं आए हैं नीचे कमेंट करके लिख देना नो EMRS, ताकि मुझे पता चल सके कि किन किन लोगों का पैसा जो है वापस नहीं आया था। देखिए, प्रॉब्लम हमेशा से गवर्नमेंट की रही है कि बेरोजगारों से पैसे लो और अपना खजाना भरो, अदरवाइज आप पैसे लेकर क्या करोगे? 1,000-2,000 रुपए गरीब के पैसे लेकर कहाँ जाओगे? खैर, अभी जो न्यूज आई है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां से देखो, विवेयर EMRS एग्जाम का फिर से फॉर्म भरा गया है और आप एग्जाम डेट के लिए इंतजार कर रहे हो। देखिए, कोई बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं ना कि वो जल्दी से सर्कुलेट कर देते हैं, जल्दी एग्जाम आने वाला है, जल्दी इनके कोर्स परचेज कर लो, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे अदर कैंडिडेट से। तो ऐसी चीजें होती है, लेकिन फिलहाल अड्डा 24 वाले ने अच्छा काम करा है, पैसे नहीं दिए इन्होंने भैया मुझे। इनकी वेबसाइट पे ही सब कुछ मुझे अच्छा लगा देख करके, तो इसलिए मैं इनकी वेबसाइट से आपको न्यूज़ बता रहा हूँ। यहाँ से देखो, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाने की बात की जा रही है। 20 का एक नोटिफिकेशन चल रहा है जिसमें आप यहाँ से देख पाओगे कि एग्जाम का डेट इन्होंने रखा हुआ है कि एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा कब, 16, 17, 24, 25 दिसंबर को, संडे और सैटरडे को, ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन आप ही सोच कर देखो, इतने जल्दी एग्जाम कराया नहीं जाएगा, और यहाँ पे जो टोटल एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं वो भी फॉल्स जो है क्लेम किया गया। तीसरी बात, एग्जाम जो है NTA लेगी, याद रखना, जो कि नेट वगैरह का एग्जाम लेती है वही एग्जाम जो है NTA भी इसे कराने वाली है। खैर, इसके ऊपर आगे पीछे हो सकती है कोई चीजें, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिलहाल एज ऑफ नाउ जो है एग्जाम नहीं होने वाला है। और इतना आप समझ लो कि दिसंबर तक एग्जाम कहीं नहीं हो रहे आपके, जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम होगा। तो इसलिए फिर भी पढ़ना तो आपको जारी रखना चाहिए। जिन लोगों का बीपीएससी का एग्जाम है, बीपीएससी में अपने सब्जेक्ट कंसर्न या फिर 6 to 8 के लिए जो भी सब्जेक्ट है, सिलेबस है, उसे पढ़िए। EMRS में आपका एक साइकोलॉजी आ जाएगा एक्स्ट्रा और सब्जेक्ट आ जाएगा। तो फिलहाल EMRS को आप जो है थोड़ा होल्ड पर रखकर बीपीएससी TRE 2.0 को जो है आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, यही इंफॉर्मेशन थी, और भी कोई अपडेट आएगी तो आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड।